लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार यानी महापर्व शुरू हो गया है। राजस्थान की 199 सीटों पर आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है सिविल लाइन्स के आदर्श मतदान केंद्र पर, जहां आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो है मतदाता मौजूद है और अपने मत का प्रयोग करने के लिए लंबी लाइन में लगे हुए हैं। हम कोशिश करते हैं यहाँ पर जो मौजूद मतदाता है उनसे बातचीत करने की कि वो किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस बार वोट कर रहे हैं। तो आइए एक एक से बातचीत करना शुरू करते हैं। आपने देखा हमने यहाँ पे अभी जिनसे बात की उन्होंने कहा कि महिलाओं को खुद की सुरक्षा के लिए खुद ही कदम उठाने पड़ेंगे। पिछली सरकार की जो कोशिश रही है वो नाकाम रही है। लेकिन हमारे साथ इस वक्त यहाँ पे कुछ पुलिसकर्मी भी मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करते हैं और उनसे भी हम जानेंगे कि फिलहाल जो है मतदान केंद्र पर किस तरह की क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए आप सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ देख सकते हैं। महिलाएं पुलिस जो है सभी यहाँ पर, ताकि किसी भी तरह की कोई भी सुरक्षा में किसी भी तरह की कोई चूक ना हो, इस तरह से आप पूरी व्यवस्था की गई है। हमारे साथ यहाँ देखिए इस उम्र में भी देखिए आप उनको मत को लेकर कितनी जागरूकता है। क्या उम्र आपने देखा कि यहाँ पर जो बुजुर्ग महिला थी वो भी इस उम्र में कितनी अपने मतदाता को लेकर कितनी जागरूक है कि वो 95 साल की उम्र में भी अपने मत का प्रयोग करने आई है। तो हमें युवाओं को जो है इनसे सीख लेनी चाहिए कि इस उम्र में जब ये आप चलकर मतदान करने आ सकती है तो हमारे देश के हर युवा को जो है निश्चित रूप से मतदान करने के लिए आना चाहिए। बाकी यहाँ पर और भी मतदाता मौजूद है, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बड़ी लंबी लाइन है अंदर मतदाता मौजूद है, कुछ मतदाताओं से एक एक करके बात करते हैं। देखा हमने यहाँ पे महिला भी थी पुरुष भी थे, हमने सबसे बातचीत की। महिलाओं का साफ तौर पर एक ही कहना है कि हम इस बार अगर वोट करेंगे तो हमारी सुरक्षा को देखते हुए वोट करेंगे। बाकी जो पुरुष मतदाता थे हमने उनसे भी बातचीत की, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, राष्ट्र प्रेम होना चाहिए, किसी भी तरह का जो है कोई भी गलत माहौल आने वाली सरकार की तरफ से ना बने इसकी हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ और भी यहाँ मतदाता मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है? किस तरह की जो है यहाँ पर व्यवस्था की अच्छी व्यवस्था है? आपके मतलब इसके मुद्दे होंगे, सारी गवर्नमेंट एक जैसी होती है। देखिए इन्होंने तो कहा कि कोई मुद्दे नहीं होते हैं, सारी गवर्नमेंट एक जैसी होती है, सारी सरकार का कामकाज एक जैसा होता है। फिर भी हमारे साथ और भी मतदाता यहाँ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या साहब आदमी बड़ी नहीं रहे, क्या बात लग रहा है आपको? आप
हमने यहाँ पे मौजूद मतदाताओं से बातचीत भी की, किसने कहा सपोर्ट करेंगे, खैर ये सबका अपना अपना मत है कि जो जिसे चाहे जिस पार्टी को सपोर्ट कर सकता है, लेकिन फिर भी देखिए आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर 199 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है, जो शाम को 6 बजे तक चलेगा। उसके बाद आज सभी पार्टी के विधायकों की किस्मत का फैसला ईवीएम मशीन में कैद हो जाएगा। उसके बाद 3 दिसंबर को परिणाम घोषित हो जाएंगे। उस दिन साफ पता चल जाएगा कि किस पार्टी का विधायक किस सीट पर बैठकर अगले 5 साल तक राज करेगा।